एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई नो सब लोग बहुत अच्छे हैं। और आज है संडे, संडे को हम बहुत मस्ती करते हैं। और अभी बज रहे मॉर्निंग के 8 और अंश और मैं आ चुके हैं किचन में मॉर्निंग नाश्ता बनाने के लिए। आप लोग देख ही सकते हैं अंश में भी कितना हेल्प करता है मेरा, बहुत काम करता है मेरा, बहुत मदद करता है हर एक काम में, इतना काम करता है, इतना काम तो शायद लड़कियाँ भी नहीं कर सकती जितना अंश करता है। तो चलिए आज हम क्या बनाएंगे नाश्ते में आप सभी लोगों को दिखाते हैं। और प्लीज़ यार, आप जो लोग देख रहे हैं ना, उन लोगों से एक ही बात बोलना चाहती हूँ मैं कि आप वीडियो को स्किप करके देखते हो, आपको कुछ समझ में आता है क्या? स्टार्टिंग देख लेते हो, स्किप करके एंडिंग देख लेते हो और बस ख़त्म कर देते हो, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको वीडियो पूरा समझना है तो पूरा वीडियो देखना पड़ेगा ना, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, थोड़ा सा भी स्किप मत करना, तो आपको समझ भी नहीं आएगा। तो चलिए अब मैं मॉर्निंग का नाश्ता बनाती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या बना रही हूँ। तो आइए गाइस, आज हम नाश्ते में सूजी का हलवा बनाएंगे। सूजी का हलवा बनाना बहुत ही इजी है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो सूजी का हलवा बनाने के लिए पहले हम सूजी को भून लेंगे। सूजी को आप अपने अनुसार ही भूने, कोई कम भूनना पसंद करता है, कोई ज़्यादा। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल गोल्डन डार्क कलर का भून लिया है। अब उसमें हम घी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने घी ना ज़्यादा डाला है ना ही कम डाला है, मीडियम रखा है। और उसके बाद हम इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से चला लेंगे। चलाने के बाद अच्छे से ये सारा चीज़ जो घी है और सूजी है जो है एक साथ मिक्स होने के बाद फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी आपको बिल्कुल कम रखना है, ना ज़्यादा डालना है ना बिल्कुल कम डालना है। तो यहाँ पे पानी डालने के बाद हम सभी मिक्सर को अच्छे से चला लेंगे। उसके बाद फिर हम इसको मीडियम फ्लेम में 5 मिनट तक पका लेंगे। बहुत से लोग यहाँ पे सूजी के हलवे में पानी ना डाल के मिल्क भी डालते हैं, आप मिल्क भी डाल सकते हो। तो 5 मिनट बॉयल होने के बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी मैंने यहाँ पे बहुत ही कम डाला है क्योंकि हमें मीठा खाना ज़्यादा पसंद नहीं है, हम बहुत ही कम मीठा खाते हैं। अब चीनी डालने के बाद इसको फिर से अच्छे से हिला लेंगे। अच्छे से हिलाने के बाद गैस को थोड़ा बढ़ा के फिर हम इसको 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। देखिए आप सूजी का हलवा कैसे उबल रहा है। अब इसको हिलाते रहेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए भी नमकीन नहीं रखेंगे, वैसे ही चलाते रहेंगे। और जैसे उबल रहा है तो आप इसको, इसमें मैंने ये ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। ड्राई फ्रूट्स को मैंने छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया था और इसमें डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। आप इसको अच्छे से चलाइए जब तक सूजी थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा ना हो जाए, तब तक आप इसको हिलाते रहिए। आप देखिए मेरे सूजी कैसे उबल रहा है। अब हम इसको अच्छे से हिलाते रहेंगे। हिलाने के बाद 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही हिलाएंगे। हिलाने के बाद देखिए आप हमारा हलवा कैसे बन रहा है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब देखिए आप, जो मैंने इसमें घी डाला था वो घी अलग होने लगा है, हलवे से घी छोड़ने लगा है हमारा हलवा। तो इसका मतलब है हमारा हलवा बन चुका है। अब हम इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे। देखिए मुझे सूजी का कलर कितना प्यारा आया है। बहुत से लोग सूजी को ज़्यादा गोल्डन नहीं करते, वो लोग वाइट खाने ही पसंद करते हैं। पर हमें सूजी का हलवा अगर बनाती हूँ तो मैं इसी तरह से गोल्डन कर लेती हूँ। मुझे गोल्डन करके ना ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हम बनाएंगे पूरी। पूरी के लिए यहाँ हमने तेल गरम कर लिया है और ये हमने पूरी छोड़ दिया है तेल में। देखिए मेरा पूरी कैसे फूल रहा है। अब हम इसको दोनों तरफ से अच्छी तरह पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज संडे के नाश्ते में यही था हमारा, सूजी का हलवा और पूरी, जो कि बनाने में दोनों चीज़ें बहुत ही ईजी है और बहुत जल्दी बन भी जाता है और हल्का लाइट खाना है, खाने में भी अच्छा लगता है। तो देखिए मेरी पूरी यहाँ पे कितनी अच्छे से फूल रही है और गोल्डन कलर की हो गई है। तो अब हम पूरी को उठा लेंगे। अब हम इसमें दूसरा पूरी डालेंगे। इसी तरह से हम अपनी सारी पूरियों को तल लेंगे, बना लेंगे।
पे सारी पूरी और सूजी का हलवा बनके तैयार हो गया। तो अब हम खाने के लिए इसको थाली में सजाएंगे। ये है हमारी थाली। अब हम थोड़ा सा हलवा उठाएंगे और उसके बाद हम खाएंगे। और आपको देख के पता ही चल रहा होगा मेरा हलवा कैसा बना होगा। मेरा हलवा बहुत ही टेस्टी बना था खाने में और सब लोगों ने मेरी बहुत तारीफ की। ये देखो गाइस, कितने सारे टॉयज पड़े हुए हैं, बट मेरे बेटू अंश को माचिस से ही खेलना है। ये इसका फेवरेट टॉय है। उसको जहाँ पे भी माचिस देखना है दिखता है, एकदम लेने के लिए भागता है। और उसको जितने भी खिलौने दे दो, खाने की चीज़ दे, लेकिन फिर भी उसको बस माचिस ही चाहिए। उसको कुछ नहीं चाहिए, टॉयज नहीं चाहिए, खाने का चीज़ नहीं चाहिए। उसको बस माचिस मिल जाए वो खेलता रहेगा। ये देखो कैसे फेंक रहे उठा उठा के खिलौने अपने। क्या है पापा ये क्या है बेबी? मुंह में नहीं लेते, रखो। तो गाइस, आज का मैं ये ब्लॉग अपना यही ख़त्म करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर कर दें। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यार सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, आपका थोड़ी ना पैसा लगता है। सब्सक्राइब कर दे। ओके, टाटा, बाय बाय।